दोस्तों, जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 173 किलोमीटर की दूरी पर था, कुछ घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप इसरो को चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करना पड़ा। साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा भी बदली। ये घटना एक बार फिर पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की ओर खींच गई। लेकिन आखिरकार क्या हुआ जो इसरो को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वास्तव में आपको बता दें कि इसरो ने पहले से तय किया हुआ लक्ष्य पूरा किया था और इसरो के वैज्ञानिकों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। आपको इसरो के ऐसा करने का कारण समझने के लिए पहले अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानना होगा। वास्तव में जब भी कोई यान पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है, वो सीधे अपने लक्ष्य तक नहीं जाता, बल्कि पहले पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमता है। वो कभी पृथ्वी के बहुत पास तो कभी बहुत दूर चला जाता है। यान पृथ्वी से सबसे पास होता है तो पृथ्वी के सतह और यान के बीच की दूरी पेरिजी कहलाती है, और यान जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो यान की सतह और यान के बीच की दूरी एपोजी कहलाती है। आपने 2000 में अक्षय कुमार की मिशन मंगल को देखा होगा, तो आप पेरिगी और एपोगी को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का चंद्रयान 3 से क्या लेना देना है। तो आपको बता दें कि फैट बॉय यानी कि LVM-3M4 रॉकेट 14 जुलाई को लॉन्च होने के करीब 17 मिनट बाद चंद्रयान 3 से अलग हो गया। 17 मिनट में फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को उसकी योजनाबद्ध कक्षा में पहुंचा दिया था। लेकिन आखिर ये कक्षा कौन सी थी और इसकी पेरिगी और एपोगी क्या थी? मित्रों, फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को जिस कक्षा में पहुंचाया था उसकी सबसे छोटी दूरी 170 किलोमीटर थी और सबसे बड़ी दूरी 36,500 किलोमीटर थी। बाद में चंद्रयान 3 इसी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। अब दोस्तों, आप सोचते होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर जाने के लिए बनाया गया था, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बनाया गया था। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करना छोड़कर अपने चांद की यात्रा शुरू कर दे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करना होता है। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करता है। इस पर वो धीरे धीरे चंद्रयान 3 की कक्षा को बड़ा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और चांद की ओर बढ़ने लगेगा। यानी चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा के नजदीक होगा, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा की परिक्रमा करने लगेगा और इसी चक्कर में चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। इसके बाद चंद्रयान की ये परिक्रमा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर होगी। इसके बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। लेकिन साथियों, ये काम जितना हमें सरल लग रहा है इतना सरल नहीं है। इसमें कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसे थोड़ा और ढंग से समझते हैं। दोस्तों, अपनी पूरी परिक्रमा तो समझ ली, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि चंद्रयान 3 तो अभी अंतरिक्ष में है, पर इसरो इसकी कक्षा को बदलता कैसे है? तो आइए हम आपको पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल इसरो को पहले से ही इन सभी बातों का पता था, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर्स लगाए थे। इन थ्रस्टर्स को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और उसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के अंदर छोड़ा गया था, तो उस समय वो 170 किलोमीटर पेरिगी और 36,500 किलोमीटर एपोगे पर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, और तभी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स चालू कर दिए गए। इस समय इसरो चंद्रयान 3 के कक्षा बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था, जिसे अंग्रेजी में अर्थ बाउंड फायरिंग कहते हैं। इसकी पुष्टि इसरो ने 15 जुलाई 2023 को किया। अपने ट्वीट में इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थ बाउंड फायरिंग 1 को सफलता के साथ पूरा किया जा चुका है और चंद्रयान 3 में लगे सभी उपकरण बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। अर्थ बाउंड फायरिंग 1 के बाद चंद्रयान 3 की पेरिगी 170 किलोमीटर से बढ़कर 173 किलोमीटर हो गई। वहीं इसकी एपोगी 36,500 किलोमीटर से बढ़कर 41,762 किलोमीटर हो गई। इसरो प्रमुख ने बताया कि अपनी पूरे मिशन के दौरान 5 बार चंद्रयान की कक्षा बदली जाएगी। 17 जुलाई को किए गए ट्वीट में इसरो ने बताया कि इसरो ने सफलता के साथ चंद्रयान 3 को दूसरे अर्थ बाउंड फायरिंग 2 को भी कर लिया है। इसी के साथ साथ अब चंद्रयान 3 226 किलोमीटर की पेरिगी और 41,600 किलोमीटर की एपोगी पर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इसरो ने 18 जुलाई को किए अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थ बाउंड फायरिंग 3 को भी सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 3 अब अपनी तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अपनी तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 की पेरिगी 228 किलोमीटर और एपोगी 51,400 किलोमीटर हो गई। इसी प्रकार चंद्रयान 3 को 20 जुलाई को इसकी चौथी कक्षा में भेजा गया। इसरो की तरफ से पूरा ध्यान चंद्रयान 3 की कक्षा को बदलने में लगा हुआ है। इसरो इसे पृथ्वी से ज्यादा दूर भेजना चाहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो का उद्देश्य 31
जुलाई के पहले चंद्रयान 3 को पृथ्वी से कम 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना है। इसके बाद 1 अगस्त को रात्रि 12 बजे चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्री ऑर्बिट यानी कि एक लंबी दूरी वाली कक्षा में भेजा जाएगा। इस लूनर ट्रांसफर ट्री ऑर्बिट में चंद्रयान 3 से 5 दिनों तक यात्रा करेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया जाएगा और इसको थ्रस्टर्स की मदद से चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। शुरुआत में चंद्रयान 3 चांद की परिक्रमा को 100x100 किलोमीटर वाली गोल कक्षा से शुरू करेगा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसरो के द्वारा इसकी दूरी को घटाया जाएगा। 17 अगस्त को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और उसके बाद लैंडर और रोवर को चांद की अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा, जिसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर होगी। इस कक्षा में आने के बाद हमारा पहला काम चंद्रयान 3 की गति को कम करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्टर्स को इसकी गति के उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वो दिन आएगा जब हमारे भारत का ये यान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते की भी खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले ही से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती से बचा जा सके। साथ ही चंद्रयान 3 इसरो के मून प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए और चांद के ध्रुवों पर शोध करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथियों, अब हम सब भारतवासियों की बेसब्री के इंतजार के बाद चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसमें मिशन पेलोड में एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया। लैंडर का नाम विक्रम है, वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर का मुख्य काम चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिसके बाद रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा की धरती पर रिसर्च करेगा। साथियों, रोवर को चांद की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोग और शोध करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को अपने फैट बॉय के नाम से जाने जाने वाले LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसरो के इस लोकप्रिय रॉकेट ने 100% सफलता के साथ चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां जिन्हें आपको और हम सब भारतीयों को जानना जरूरी है। अगर आप भी चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।